नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा अदानी पावर एंड अदानी विनमार के स्टॉक के बारे में। पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने एक वीडियो शेयर करी थी सेबी के जो टाइम चेंज को लेकर कुछ इस समय बातें चल रही है शेयर बाजार की टाइमिंग को लेकर, तो काफी सारे लोगों के कहीं ना कहीं जो है कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, एंड जो मैंने आप सभी के साथ शेयर भी करा, कम्युनिटी में भी मैंने शेयर करा, वहां पे ऑलमोस्ट 3100 वोट हो गए हैं, 3100 अभी दो घंटे हुए हैं, तो मैक्सिमम वोट्स जो है मोर देन 57% जो वो कह रहे हैं 9:15 से लेकर 5 बजे तक बाजार खुलना चाहिए। वहीं सेकेंड नंबर पे हाइएस्ट जो करंट सिचुएशन चल रही है वही रहना चाहिए, लेकिन कमाल की बात यह 19 कमेंट है इस पोस्ट पे, एंड मैक्सिमम कमेंट ये है कि बाजार की टाइमिंग नहीं बढ़नी चाहिए, एंड लिटरली मुझे भी यही लगता है। एक मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट भी आया, वो ये था कि भाई अब लेबर मजदूरी होगी 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, तो वो मेरे को बहुत फनी सा लगा, बट लिटरली मुझे नहीं लगता बाजार की टाइमिंग को बढ़ाना चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर को और ज्यादा लॉस होगा मुझे लगता है, एक हेडेक हो जाएगा, बहुत सारी प्रेशर पड़ जाता है 3:30 बजे तक जो ट्रेडर्स होते हैं ना डे, और जो ट्रेडर्स बनने की कोशिश करते हैं सिर्फ 5-5, 6-6 ट्रेड मारते रहते हैं बिना बात के, वो पागल हो सकते हैं मेरे हिसाब से, तो ये बहुत एक गलत डिसीजन हो सकता है, जितना मतलब शॉर्ट ठीक है इतना मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोगों भी अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं चाहे तो वोट पे जाके, इस वीडियो से तो मैटर नहीं करता इस सबका। सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं, अदानी पावर एंड अदानी विनमार पे जो बात करने वाला हूं वो ये नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो छोड़ दो। कुछ लोगों के साथ मैंने शेयर करा था वैल्यूएशन को लेकर कि अदानी पावर हो चाहे विनमार हो दोनों के वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहे हैं, लेकिन अदानी पावर पे डेट कंसर्न्स हैं, लगभग 45,000 करोड़ के डेट हैं जो कि प्रॉब्लम का विषय है, चिंता का विषय है, लेकिन अदानी विनमार बिल्कुल सेफ सिक्योर एंड एक बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी दिखती है इन लेवल्स पे। तो क्या यहां खरीदारी करने की राय दी मैंने? नहीं, मैंने आपको कुछ चीजें शेयर करी बस, अगर किसी के पास है उसके साथ शेयर करा, बाइंग सजेस्ट नहीं करी। फिर ये स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं ये भी कमेंट हो सकता है आपका, ये आपका सवाल हो सकता है अगला, गिर इसलिए रहे हैं अगर आप देखो तो ये एक एंटिटी, ये एक ग्रुप है, ठीक है, और हर एक शेयर हर एक कंपनी दूसरी कंपनी से इस समय चैन के रूप में काम कर रही है, चैन जुड़े हुए हैं, ठीक है। अदानी ग्रुप के लिए प्रॉब्लम्स रुकने का नाम नहीं ले रही है, कंटिन्यू प्रॉब्लम्स जारी है इनके लिए, तो अगर ग्रुप गिरेगा तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये नहीं गिरेंगे। जब बढ़ रहा था ग्रुप तो ही तो ये शेयर्स बढ़े थे, अदरवाइज फंडामेंटल्स तो तब भी यही थे अब भी यही है, इसीलिए हमेशा मैं आपके साथ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर कहता रहा कि निवेश की राय मैं नहीं देता हूं, ट्रेडिंग करते हैं बट ट्रेडिंग की रेंज थोड़ी बड़ी होती है, 10-10% के स्टॉप लॉस रख के 30-30% के टारगेट रखो। मैंने आपके साथ 270 पे अदानी पावर रिकमेंड करा था, 380 पे प्रॉफिट बुक कराया, मुझे अच्छे से याद है 400 रुपए तक गया था तो लोग कह रहे थे भाई ये 1000 का हो जाएगा, आपके चक्कर में बेच दिया, आज वही शेयर कहां आ गया है, ठीक है, तो ये चलता रहेगा कंटिन्यू। एक और चीज बोलना चाहूंगा, मैं बात करूं अगर फंडामेंटल्स की, आप भूल जाओ जो चल रहा है, ठीक है, केवल फंडामेंटल्स देखोगे, जिस तरीके से स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, उसके लिए मैंने आपके साथ कोर्स शेयर कर रखा है। मैं ये जरूर कहूंगा कोर्स लो मत लो, लेकिन ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती रहती हैं, नोटिफिकेशन जरूर चेक करते रहना। कल 2 दिन पहले वोल्टास शेयर करा था, 4 दिन पहले जेएसडब्ल्यू स्टील को शॉर्ट करा था, तंगड़ा प्रॉफिट बनाया। आप सभी के साथ कल या फिर सैटरडे को 5 ऐसे स्टॉक शेयर करूंगा पूरे मार्च मंथ के लिए, जो मेरा व्यू बन रहा है, मेरा कहीं पे बाय कहीं पे कहीं ना कहीं सेल और कुछ स्टॉक अलर्ट भी है, 5 स्टॉक्स की लिस्ट है, वो डेफिनेटली चेक करना। एंड अगर आप स्टॉक्स को फंडामेंटली पढ़ना सीखना चाहते हो, रिजल्ट्स को पढ़ना चाहते हो, तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो एक बार चेक जरूर करना, वहां मैंने अपनी तरफ से 5 स्टॉक्स रिकमेंड भी करे हैं पोर्टफोलियो पर्पस से। तो आप देखेंगे ना अदानी विनमार कारोबार क्या है, एफएमसीजी ग्रुप में क्या काम करता है, एडिबल ऑयल का फॉर्च्यून ब्रांड है, नंबर 1 ब्रांड है, कोई दिक्कत है बिजनेस में? कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूएशन की बात करें तो 60-65 के पीई पे अभी मिल रहा है आपको, कोई दिक्कत है नहीं। बैलेंस शीट की बात करें, अच्छे खासे रिजर्व्स है, डेट कंसर्न नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया, गिरावट भी अच्छी खासी हो गई, तो कोई दिक्कत है नहीं। गिर रहा है उसका तो मतलब देखो पूरे ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो आप टेंशन मत लो अदानी विनमार पे। फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको चीज बता रहा हूं बस, काफी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि भाई आप गिरती चीज में मतलब खरीदवा रहे हो, मैं नहीं खरीदवा रहा, मैं आपको सिर्फ चीजें बता रहा हूं। अदानी ग्रुप के मैक्सिमम स्टॉक्स को लेकर मैं खुद नेगेटिव रहा हूं हमेशा, एंड पहले भी था अभी भी हूं, बट अदानी विनमार अगर आप पे है तो बेचना नहीं है, अगर आप बेच दोगे ना, 500 पे खरीदा अभी बेच दोगे तो मेरे हिसाब से वो वर्स्ट डिसीजन एवर हो जाएगा आपका। अदानी पावर को लेकर अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं
मैं एक क्वार्टर के नंबर्स और चेक करना चाहता हूं, अगर रिजल्ट्स चेंज हुए, रिजल्ट्स बदले और अच्छे आए तो फिर ये स्टॉक दोबारा 200 का हो जाएगा, लेकिन एक बार और खराब नंबर आ गए तो ये डबल डिजिट में जाएगा स्टॉक, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दो दिन पहले इसमें एक बड़े ट्रेड भी हुए थे लगभग 23 करोड़ रुपए के, वॉल्यूम्स भी मोर देन लगभग अराउंड, मैं आपके साथ एक्जेक्टली शेयर करूं तो लगभग 2 करोड़ शेयर ट्रेड हुए थे, 2 या 3 करोड़, मैंने आपके साथ डिटेल्स भी शेयर करी थी कि कुछ बड़ा हो रहा है अदानी पावर में, 2-3 दिन सर्किट लगा, आज फिर से एक खराब खबर के चलते स्टॉक्स नीचे आते हुए दिखे हैं। आज की अगर बात करें तो लगभग अदानी ग्रुप से 50,000 करोड़ का मार्केट कैप इंट्राडे आज में साफ हुआ है। अदानी विलमार, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अदानी पावर, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो आज लोअर सर्किट पे थे। अदानी ग्रीन में भी, अदानी पोर्ट्स की बात करें तो 6.5% डाउन है, अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 10.5% आज के सेशन में गिरता हुआ दिखा, तो ओवरऑल पूरा का पूरा सेक्टर, पूरा का पूरा ग्रुप गिर रहा है। अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, ये दोनों भी गिरे, एनडीटीवी भी आज आपको गिरता हुआ दिखा है। अब जाते जाते यूएस मार्केट की बात भी कर लेते हैं, लगभग 35 पॉइंट्स इस समय डाउन दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, एक बार एफओएमसी के मिनट्स आ जाएं तो फिर रिएक्शन बड़ा होगा, वो कब आएंगे अभी मेरे को दिख नहीं रहा, शायद रात में 11 बजे अपडेट होगी, तो जब आएंगे तो शायद आज तो वीडियो नहीं लेकिन कल मॉर्निंग में डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट गाइस।